हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ विपिन सिंह। मैं अपने एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल एजुकेशनल हाइक पे आप सभी के साथ फिर से एक बार हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप ले आ रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इसके बाहर से मैप हिस्ट्री का बिल्कुल भी नहीं जाना। दो नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। चार नंबर का जो मैप आपका होगा वो ज्योग्राफी से आएगा और अपकमिंग वीडियो पे मैं उसे भी लाऊंगा अपने चैनल पे। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं और दो नंबर का मैप जो हिस्ट्री से आने वाला है उसको क्लियर करते हैं। ठीक, देखिए हिस्ट्री के मैप में क्या, हिस्ट्री के मैप में इस बार आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप में कुछ भी लोकेट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इवेंट्स को याद रखना है कि आपके नेशनलिस्ट इंडिया चैप्टर में कौन सा इवेंट कहाँ हुआ था और किस ईयर में। केवल इवेंट्स आपको याद रखने हैं, बस इवेंट्स को आपको अपने दिमाग में रिमेंबर करके रखना होगा। बाकी आपको कुछ भी इस बार लोकेट करने की जरूरत नहीं होगी। इवेंट्स बस आप याद रखिए कौन सा इवेंट कहाँ हुआ था, उसके बाद एज इट इज़ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इवेंट आया होगा, आप बस उस प्लेस को याद रखो, उस जगह का नाम वहाँ पे लिख दो। ठीक, देखिए फैक्चुअल इवेंट्स फॉर हिस्ट्री मैप 2019 एंड 20। पहला इवेंट क्या था, पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर। इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में जो पीजेंट ने मूवमेंट किया था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 1916। ओके, चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 1916 में आपके पीजेंट ने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। सेकेंड, अ प्लेस वेयर गांधी जी सपोर्ट द फार्मर्स अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड। एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, तो वहाँ पे पीजेंट ने किया था, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया था। ये पर्टिकुलर चीज़ आपके खेड़ा में हुई थी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आपका गुजरात में है, 1917 में वहाँ पर ये चीज़ हुई थी। अब थर्ड है वर्कर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिल ओनर। आपके मिल के वर्कर्स ने मिल के ओनर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था हाई वेजेस के डिमांड को लेकर। होता क्या था कि वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा था और उनकी वेजेस में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था, तो वहाँ के मिल वर्कर्स ने मिल ओनर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था और ये पर्टिकुलर आपका इवेंट हुआ था 1918 अहमदाबाद। अब नेक्स्ट इवेंट है जलियांवाला बाग कांड। अब जलियांवाला बाग कांड के लिए या जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये सभी को पता, बहुत ही फेमस 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। ठीक, सभी को पता, जिसने पूरे के पूरे सत्याग्रहियों के माइंड में एक फियर क्रिएट कर दिया था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, और ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। द नेक्स्ट इवेंट इज अ प्लेस वेयर गांधी जी ब्रेक द साल्ट लॉ। महात्मा गांधी जी ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। डांडी गुजरात का एक कोस्टल प्लेस था जहाँ पे महात्मा गांधी गए थे अपने सभी वॉलंटियर्स के साथ, उन्होंने साल्ट को मैन्युफैक्चर करके साल्ट लॉ को ब्रेक किया था। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर सत्याग्रही वर वायलेटेड एंड नॉन कॉपरेशन वॉज कॉल्ड ऑफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ था चौरा चौरी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, वहीं पे एक प्लेस था चौरी चौरा जगह पे आपके सभी सत्याग्रही वायलेंट हो गए थे और इसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था। अब देखिए कुछ INCs के इंपॉर्टेंट सेशन है, इन चार सेशन में से एक सेशन वो जरूर पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सेशन जरूर आता है। देखिए पहला क्या, प्लेस वेयर INCs सेशन 1919 वाज हेल्ड। 1919 का INC का सेशन अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। सेकेंड, अ प्लेस वेयर INCs सेशन 1920 वाज हेल्ड। 1920 में INC के दो सेशन हुए थे। अगर सितंबर 1920 बोलेगा तो कोलकाता, और अगर दिसंबर 1920 बोलेगा तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं से अडॉप्ट हुआ था, ये हुआ था नागपुर। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, INC का सेशन 1920 में दो जगह पे हुआ था, सितंबर में कोलकाता में जहाँ पे डिस्कशन किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्टअप देने की, और फिर दिसंबर में हुआ आपके नागपुर में जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि स्टार्ट कर दिया गया। तीसरा आपका प्लेस वेयर INC सेशन 1927 वाज हेल्ड, तो ये मद्रास में आपके हेल्ड हुआ था 1927 का सेशन। ओके, इसके बाद अ प्लेस वेयर INC सेशन 1929 वाज हेल्ड। 1929 का जो सेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लाहौर में हुआ था और इस सेशन को लीड किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या कहते हैं लीड किया था इस INC सेशन को, और यहाँ पे उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हिस्ट्री का मैप था, इसके बाहर से नहीं आना है। आप इन सभी इवेंट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। दो नंबर आपके सिक्योर हो चुके हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में ज्योग्राफी के मैप को भी कवर करने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए